सो दोस्तों, लूप बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वायर की। ये है, मैंने मंगवाया था अमेज़ोन से, 18 गेज वायर है ये। आपको ज़रूरत पड़ेगी कटर की, क्योंकि वायर को हम अपनी लेंथ के हिसाब से, लेंथ के अकॉर्डिंग यूज़ करने वाले हैं। सो वायर को कट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ दी कटर, दिस इज़ दी क्रिम्पिंग टूल, और आप कह सकते हो ये चिन नोज प्लायर है, जिसकी मदद से हम वायर को होल्ड करेंगे। दिस इज राउंड नोज प्लायर, जिसकी मदद से हम लूप क्रिएट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपका जो वायर है उसको आपको मेजर कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने इसको 4 सेंटीमीटर की लेंथ पे दो जो है वो मार्के किए हैं। देखिए इस तरीके से। अब हमें कटर लेना है। हमेशा ध्यान रखें, कटिंग करते वक्त आपका जो मेजरमेंट है वहीं पे आपको कटर रखना है, और जो हिस्सा कट होने वाला है उस हिस्से को आपको नीचे की ओर रखना है, ऐसे। सो कटिंग करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें, सेंटर में आपको वायर रखना है, कटर पे सेट करना है, नीचे की ओर रखना है, और इसको सिंपली कट कर देना है। देखा आपने, ये वायर उड़ के वहाँ तक गया है। सो अगर आप इसको ऊपर की ओर रखेंगे तो वो इधर उधर फैल सकता है, और कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है। सो हमेशा वायर को नीचे की ओर रखें, और जो मेजरमेंट है उस पर उसको लगा कर सिंपली इसको प्रेस कर दें। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो एक लेंथ के वायर्स जो हैं वो कट कर लिए हैं। अब इनका लूप क्रिएट करेंगे। लूप क्रिएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी राउंड नोज प्लायर की। सो जैसे आप देख सकते हैं, लूप भी एक ही साइज का होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने राउंड नोज प्लायर पे यहाँ पर वाइटनर की मदद से, ये करेक्शन ट्यूब अवेलेबल होती है मार्केट में जिसको वाइटनर भी बोला जाता है, तो इसकी मदद से मैंने यहाँ पे एक निशान कर दिया है। अगर आपका जो राउंड नोज प्लायर है वो इस तरीके का है तो आप ब्लैक मार्कर का भी इस्तेमाल करके उस पर एक मार्कअप तैयार कर सकते हो। सो इसको हम राइट हैंड में पकड़ेंगे, और जो लूप बनाना है वो वाला जो एंड है उसको हम यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रख के हम अपना जो राउंड नोज प्लायर है उसको हम ऐसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सिंपली हमें अपना जो वायर है उसको ऐसे टर्न करना है। आप देखिए, सिंपली हमको उसे टर्न करना है। ऐसे टर्न करने से एक लूप क्रिएट होता है, लेकिन आप देख सकते हो ये लूप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड झुका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो लूप है इसको ऐसे होल्ड करेंगे सेंटर से, और हम इसको राइट हैंड साइड पे टर्न करेंगे। देखिए, आप देख सकते हो कि एक लूप यहाँ पर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लूप बनाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मार्का करने से आपका जो कोई भी लूप आप क्रिएट करते हो वो एक ही साइज का होगा, वो छोटा बड़ा नहीं होगा। देखिए, सिंपली हमें इसे टर्न करना है। वापस से इसको हम ऊपर ले लेंगे और टर्न करना है। टर्न करके आप देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ा हुआ है। हम सेंटर से इसको ऐसे होल्ड करेंगे और इसको राइट हैंड साइड पर टर्न कराएंगे। तो यहाँ पर एक जो है वो लूप क्रिएट हो जाता है जो सेंटर पोर्शन पे रहता है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों जो लूप है उसका साइज एक सा बन गया है। सो आज मैंने आपको सिखाया है कि वायर को कट कैसे करना है और वायर में लूप कैसे लगाना है। आगे की जो भी डिटेल है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट दी नोटिफिकेशन बेल, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक माय वीडियो। और कोई सजेशंस है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी डिटेल है वो पढ़िए, और उसके रिलेटेड जो भी सजेशंस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू सो मच।